आज हम मशहूर ज़माना बहुत ही खूबसूरत सियाती मुकाम सुगा झील किनारे मौजूद हैं। यहाँ पर मेरी मुलाकात हमारे बहुत ही एक हमारी मेहमान से सॉरी कराची से बताया जा रहा है। आप किस मुजराम मैं सर अव्वल तो ये है कि फैजान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। सर आप तभी मसाफत तय करके यहाँ आए हैं तो ये जगह ये इलाका यहाँ के लोगों का जो रहन सहन और लोगों का रवैया और यहाँ के जो गेस्ट हाउस हैं जहाँ आप क़याम करते हैं आपको कैसा लगा और यहाँ कोई परेशानी कोई मसला मसाइल? अब तक जितना टाइम यहाँ गुजरा है आज मेरा तीसरा दिन है इसका जो एक जगह अच्छी है लोग अच्छे हैं ख्याल रखते हैं और हर जगह हर तरह के लोग होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं मौके का फ़ायदा उठाते हैं सही गाइड नहीं करते लेकिन चलें वो है। जहाँ तक जगह की बात है खूबसूरत है आपको हवा अच्छी है सड़कें इतनी मज़ेदार नहीं है हरियाली थोड़ी कम है थोड़ी इस तरह से यहाँ पे अगर लगाई गई है या यहाँ पे कुदरती है अगर थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो और अच्छा होगा। मिट्टी पानी आपकी जो सुगा झील है यह तो बहुत खूबसूरत लेकिन इसके इर्द गिर्द सफाई का होना बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे हम यहाँ खड़े हैं अगर हमारे पीछे हम देखें इतने अच्छी नीचे एक सोडा कैन पड़ा हुआ फैक्टर का ये इस तरह की चीज़ें ना हों तो बहुत अच्छा होगा। इससे पहले बहुत ज़्यादा कचरा गिरा मतलब ये सब चीज़ें मतलब शोभा नहीं देती मतलब हम ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर बार बार कैसे बस इस चीज़ को बस मैं कहूँगा। बाकी खूबसूरत जगह है मौसम अच्छा है सुकून है। शुक्रिया फैजान साहब कमी को तहम कि आपने निशानदेही की आपका शुक्रिया। सर हमारे वो लोग जो इस खूबसूरत इलाके का रुख करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? आप ज़रूर आइए क्योंकि आएंगे तो यहाँ अगैन आमदनी आएगी तो यहाँ पर उस आमदनी से यहाँ के लोगों की भी ज़िंदगी बेहतर होगी और वो पैसा कुछ जो है वो यहाँ की बेहतरी में भी लगेंगे। अगैन आना ज़रूर चाहिए। जहाँ हम बाहर ममालिक को पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ पहले खर्च करें।